हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए ट्वेंटी फोर नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी एस आई आर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप की प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसी इन्वाइट की गई है सी एस आई आर केंद्रीय खनन एवं उद्योग अनुसंधान संस्थान द्वारा वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए रहेगी तो यहाँ पर फ्रेंड जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाता है और जो ये इशू डेट है एडवर्टाइजमेंट की वो 11 छः 2020 रहेगी यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये पोस्ट है ये पूर्णतः अस्थाई है, है और संविदा के बेसिस पे आपकी ये वैकेंसी रखी गई है और वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे आपका सलेक्शन होगा जो कि फ्रेंड्स मंथ ऑफ जुलाई टू में कंडक्ट किया जा सकता है सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल वन की वैकेंसी के लिए जिसमें फ्रेंड्स तेरह पोस्ट आपकी रखी गई है स्टिपेंड आपका बीस हजार रुपए यहां पर रहेगा और जिस परियोजना या प्रोजेक्ट में आपका काम रहेगा उसकी जानकारी आपको दी गई है इसके बाद फ्रेंड्स यहां बात करते हैं सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो बैचलर ऑफ साइंस या फिर ऑनर्स इन केमिस्ट्री आपके पास है जिसके लिए पाँच पोस्ट रखी गई हैं या फिर बैचलर ऑफ साइंस विद ऑनर्स इन जियोलॉजी जिसके लिए पाँच पोस्ट रखी गई हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके लिए तीन पोस्ट रखी गई हैं इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल वन के अंतर्गत आती हैं इसके बाद है प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल टू की वैकेंसी जिसमें फ्रेंड्स उन्नीस पोस्ट आपकी रहेंगी और यहाँ पर स्टेटमेंट आपको इकतीस मिलेगा और जो आपका परियोजना या प्रोजेक्ट है वो क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है इसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीजी डिग्री आपके पास केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री में होनी चाहिए जिसमें आठ पोस्ट रहेंगी या इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री विद जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी या जियो साइंस में आपके पास होनी चाहिए जिसके लिए आठ पोस्ट रखी गई हैं अगर आपने बी ई बी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तो भी आपको एक पोस्ट रहेंगी बी ई आई टी मतलब आपने सूचना प्रौद्योगिकी में बी ई कर रखी है तो आपको एक पोस्ट यहाँ रहेगी अगर बी टेक आपने सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है तो भी आपकी यहाँ एक पोस्ट रहेगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्लेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है वो फ्रेंड्स सी एस आई आर सी आई एम एफ की के रिगावड़ी कैंपस धनबाद में आपका रहेगा और टाइम या डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है वो वेबसाइट पर या जो आप अभ्यर्थी जो ईमेल आईडी देंगे उस पर फ्रेंड्स से उनको सेंड कर दिया जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स अभ्यर्थी जो है बंद लिफाफे ऊपर आपकी जो विज्ञापन संख्या है विषय है आपके परियोजना सहायक स्तर एक है या दो है मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये फर्स्ट है सेकंड किसके लिए आपने आवेदन किया है उस पर आपको लिखकर आवेदन पत्र के साथ आपको दिए गए जो एड्रेस है जो कि आपको नीचे यहाँ दिया गया है यहाँ पर आपको सेंड कर देना है एक जुलाई 2020 शाम साढ़े पाँच बजे से पहले तो ये आपको सेंड करना जरूरी होगा और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको इंटरव्यू के समय शो करने होंगे अगर एज की बात करें तो फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक है जो कि लेवल वन है उसमें अधिकतम पचास वर्ष की आयु रखी गई है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्तर टू के लिए फ्रेंड्स पैंतीस वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है एस सी पीएच कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाती है इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका जो तो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकालेंगे और कार्यालय पर दिए गए एड्रेस पर आप सेंड कर देंगे एक जुलाई 2020 तक पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना होगा नहीं तो फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो आपका ये फॉर्म है ये वैलिड नहीं माना जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स जो आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करके भेजेंगे मतलब ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसके बाद उसको ऑफलाइन सेंड करेंगे उसके साथ फ्रेंड्स आपको जो फोटो कॉपीज हैं जिसको आप यहाँ पर एनक्लोज करेंगे साथ में जिसमें आपके दसवीं का अंक प्रमाण पत्र हो गया आपके स्नातक की प्लस टू का अंक पत्र या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हो गया इसके अलावा स्नातक या डिप्लोमा का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड करना है अगर आप स्नातकोत्तर या मतलब पीजी डिग्री या बीई बी टेक है तो उसका आपको यहाँ पर सेंड करना है और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको सेंड करना होगा आपका एस सी का जो

करेंगे तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो इसका होम पोर्टल है अप्लाई ऑनलाइन का जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है वहां पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आप इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आप चाहें तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है नोटिफिकेशन नंबर अब नोटिफिकेशन नंबर आपका कौन सा है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है आप चाहें तो इसके जो होम पोर्टल है जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेक्शन दिया गया है यहाँ पर कैरियर में जाकर आप यहाँ से जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है पी से लेकर आर टू तक ये भी आप कॉपी कर सकते हैं इसका मतलब है आप इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके बाद है पोस्ट अप्लाई तो आप कौन से जो है आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसा यहाँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल वन की वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल टू की वैकेंसी है तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में फिल करना होगा इसके बाद आपका फादर नेम आपको यहाँ पर देना है आपकी जो डी क्या है डेट ऑफ बर्थ तो आपको डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पर लिखनी है और इसका जो जो फॉर्मेट है वो आपका कुछ इस तरह का रहेगा तो आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से आपको फिल करना है आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए एस सी एस सी ओ या ई जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जेंडर क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे आपका पूरा एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो पूरा एड्रेस है वो देने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपका जो स्टेट है ये आपको यहाँ, यहाँ मैंशन करना है और आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ फिल कर देंगे इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पिन कोड नंबर तो आपका पिन कोड एंटर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है टेन डिजिट का और ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आई डी ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आई डी आपको बिल्कुल सही सही एंटर करनी है क्योंकि आगे की जो फर्दर कम्युनिकेशन होगी वो आपको इन्हीं नंबरों पर मिलेगी इसके बाद है फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड नंबर तो आपका ट्वेल्व डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ फिल करना है इसके बाद फ्रेंड्स जो ट्वेल्व नंबर का ऑप्शन है डेट ऑफ इंटरव्यू का ये अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यह हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और देखते हैं इसके बिना ये सबमिट होता है या नहीं होता है इसके बाद है नेम ऑफ द क्लोज रिलेटिव अगर आपका कोई भी रिलेटिव काम करता है तो आप जानकारी दे सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप यस yes कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस दे सकते हैं और एक्सपीरियंस की जानकारी आप ब्रिफ में यहाँ पर दे देंगे इसके बाद नीचे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो आपके टेन की डिटेल है ट्वेल्थ की डिटेल है वो आपको एंटर करनी है जैसे नेम ऑफ द बोर्ड आपका हो गया तो आपका बोर्ड का नाम क्या है वो आप यहाँ फिल कर देंगे आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हो गया तो आप यहाँ पर टेन के लिए और जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं बाकी आपके ट्वेल्थ सब्जेक्ट जो है उनके लिए अपनी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ एंटर कर देंगे परसेंटेज मार्क्स आपको एंटर करनी है ईयर ऑफ पासिंग आपका कब का है वो आपको यहाँ फिल करना है सेम ऐसे ही ट्वेल्थ के लिए भी आपको यहाँ पर जो आपकी जानकारी है वो आपको देनी होगी आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप एंट्री यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं ये एंट्री करने के बाद सेम आपको जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर जानकारी देंगे अगर आपने मास्टर डिग्री या बी बी किया है या इसके अलावा कोई अदर एम टेक एम फिल किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं तो जो जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपकी सब्जेक्ट चूज करेंगे आपने इनमें से किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे आपकी परसेंटेज क्या है वो आप यहाँ फिल करेंगे और आपका पासिंग ईयर क्या है वो आप यहाँ फ़िल करेंगे तो जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल करनी है और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप

फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा आप इसको यहां से कर देंगे ओके okay. ओके okay करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने दोबारा से ब्लैंक पेज यहां पर आ जाएगा अब आपको इसका फाइनल प्रिंट आउट निकालना है और इसके लिए फ्रेंड्स आप दिए गए इस प्रिंट टैब पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर फिल करना है आपका आधार नंबर फिल करना है और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से दिए गए सबमिट पर क्लिक करके आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट या डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका फाइनल प्रिंट आउट है जिसका पीडीएफ आपको निकालना है या सेव कर लेना है और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है दी गई तारीख से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर और आपका यहाँ पर जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की सी एस आई आर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद की वैकेंसी या उसके नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और, और देखते रहिए ए ट्वेंटी फोर नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग